आज हम निकल चुके हैं शिव खोड़ी के लिए तो कल हमने माता रानी के दर्शन कर लिए थे नेक्स्ट डे हम शिव खोड़ी के लिए निकल गए हमने ली है बस जो जिसके चार्जेस थे टू फिफ्टी आना जाना इसमें ट्वेल्व आवर्स का ट्रिप रहता है वो सेम डे सुबह आपको लेके जाएंगे और सेम डे ही शाम तक आपको वापस ला उसी पॉइंट पर ड्रॉप कर देंगे हमने कैब का भी पता किया था कैब के चार्जेस पच्चीस से सत्ताईस के बीच में थे उसका भी सेम था कि आपको सुबह लेके जाएगी और शाम तक वापस ले आएगी तो यहाँ मैंने देखा कि रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करेगा ये पॉइंट आउट मैं अर्धकुवारी ढूंढने की कोशिश कर रही थी पर आपको उस साइड में दिख रहा होगा कि रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो चुका है काफ़ी भीड़ थी पैसेंजर्स आ रहे थे हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है आगे जाके मैंने देखा चेनाब रिवर मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की हम चेनाब रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था आज वेदर भी बहुत अच्छा था ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी भवन के पास बहुत ठंड है ऊपर बट यहाँ पे टेम्परेचर मुझे ठीक लग रहा था फिर हमने यात्रा कंटिन्यू की अब हमारी बस रुकी थी आ, एक पॉइंट पर जा उन्होंने हमें फिफ्टीन मिनट्स दिए थे उसमें आप अगर आपको नाश्ता करना है आप नाश्ता कर लो यहाँ पे बेरीज के बेरीज़ का एक स्टॉल लगा हुआ था हमने वहाँ से बेरीज भी खरीदे फिर हम आगे बढ़े जो हमारी बस थी उन रास्ते में ना दो पॉइंट्स आते हैं दो मंदिर आते हैं एक आता है बाबा जीतो जी का टेम्पल बाबा जीतो जी बहुत बड़े भक्त थे माता रानी के तो उनका टेम्पल आता है और फिर नेक्स्ट टेम्पल आता है नौ देवी का टेम्पल तो जो हमारे बस वाले भैया थे उन्होंने हमें जाते वक्त ये कवर नहीं करवाए थे उन्होंने कहा था कि रात में जब वापस आएंगे तब दर्शन करवाएंगे तो अभी हमने उन दो टेम्पल्स को कवर नहीं किया हमारा जो प्लान था वो रात में स्टे करने का था शिवखोड़ी में ही रंसू विलेज में ही लेकिन तो इसलिए हमारे वो दो टेम्पल्स मिस हो गए थे बट हाँ आप जब बस से या कैब से जाओगे तो वो आपको इन दो टेम्पल्स के दर्शन ज़रूर करवाएंगे तो आप वो करना मत भूलना और ये मैंने थोड़े से सीनिक व्यूज़ कैप्चर करने के का ट्राई किया था हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया था फिर इस टाइम तक काफ़ी अंधेरा हो गया था हमारे जो बस वाले भैया उन्होंने कहा था कि यहाँ पे चंडी देवी का मंदिर भी है आप वहाँ पे भी जाना तो यहाँ पे जो माता रानी है वो चार अप्रैल 2011 में प्रकट हुई थी पिंडी स्वरूप में तो यहाँ पे उनके दर्शन है मंदिर अभी प्रॉपर बना नहीं है और उन्होंने बस वाले भैया ने कहा था तो हम देखने चले गए थे बन रहा है अभी बना नहीं है प्रॉपर फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा ये है शिव खोड़ी का बेस कैंप यानी यहाँ से ही एंट्री शुरू होती है ये है वहाँ की रेट लिस्ट थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर है यहाँ से जो शिव खोड़ी की गुफा है वो यहाँ से थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर है और अगर आप पोनी लेके जाते हैं तो फाइव हंड्रेड रुपीज़ उसके चार्जेज़ है आने और जाने के दोनों मिलाकर तो यहाँ से ही एंट्री शुरू होती है यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन कराना होता है और यहीं से शुरू होती है ये जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ये है उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा कर फिर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं जो हमें बस ने छोड़ा था वो हम हमें उसने डू विलेज का जो बस स्टैंड है वहाँ पे छोड़ा था वहाँ से आपको शेयरिंग वैन लेनी पड़ेगी टेन टेन या ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ में वो आपको बेस कैंप तक छोड़ देंगे फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने अपनी जो यात्रा वो शुरू कर दी थी यहाँ पे आपको जो रूम है उनका रेट फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड में मिल जाएगा और धर्मशाला भी है जिसमें सिक्स टू सेवन बेड्स होते हैं और वॉशरूम कॉमन होता है तो आप उसमें भी स्टे कर सकते हैं अगर आप रात में स्टे कर रहे हैं तो फिर ये हम रजिस्ट्रेशन करवाने हम आ गए थे खाली था काउंटर क्योंकि काफ़ी सुबह हमने शुरुआत कर दी थी कि ज़्यादा लोग नहीं थे तो हमने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और सबको सारी फैमिलीज को लाइन में सारी फैमिली के मेंबर हैं उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं एक जना जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है तो यहाँ से हमने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है ये उसके आगे का रास्ता है यहाँ से अभी हमने सिक्योरिटी चेक इन किया है अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अभी तो खाली है शॉप्स भी बंद हैं पोनीज भी नहीं दिख रही हैं दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी सुबह का टाइम है बहुत अच्छा वेदर हो रहा था मतलब बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं लग रही थी मतलब बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा फिर यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर आगे है केव फिर हमने व्यूज़ मैंने व्यूज़ थोड़े कैप्चर करने की कोशिश की आज मैं मे, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कल के बस की जर्नी की वजह से मोशन सिकनेस की का भी दिक्कत नहीं हो रही थी मुझे और आज मतलब बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बहुत खुश थी कि मैं दर्शन करने जा रही हूँ क्योंकि मैं पहले यहाँ कभी नहीं आई हूँ मैं फ़र्स्ट टाइम दर्शन करने जा रही हूँ तो सुबह सुबह का टाइम में बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी फिर हमने थोड़ा सा रुक कर कैप्चर किया फिर हम आगे बढ़े अभी शॉप्स बंद हैं लेकिन शॉप्स हैं आपको अगर बीच बीच में स्नैक्स लेना है या फिर पानी लेना है तो मिल जाएगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि अगर आप पौने बुक कर रहे हैं तो जो घोड़े वाले का आइडेंटिटी कार्ड है वो आप ज़रूर चेक करें और जिनके पास नहीं है उनसे घोड़ा बुक ना करें तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई थी फिर हमने आगे जो अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू करी जो चढ़ाई है वो बहुत नॉर्मल है ज़्यादा स्टीप नहीं है आप आसानी से धीरे धीरे कवर कर सकते हैं जो स्टार्टिंग के दो किलोमीटर हैं वो तो बहुत ईजी हैं मतलब धीरे धीरे कर सकते हैं लेकिन जो आगे एक किलोमीटर जो मंदिर के पास का जो केव के पास का एक किलोमीटर है वो थोड़ा सा स्टीप है अगर आपके साथ बड़े बुज़ुर्ग हैं बच्चे हैं तो आप घोड़ा कर लीजिए वरना अदरवाइज़ मतलब कोई ज़रूरत नहीं है करने की तो हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो प्रसाद की शॉप्स हैं वो आपको केव के पास मिल जाएंगी मेरा भी यही कहना है कि आप उधर ही जा कर लो क्योंकि पहले से ले जाने में दिक्कत होती है यहाँ पे बंदर बहुत हैं और वो हाथ से ले कर चले जाते हैं आप पता भी नहीं चलेगा काफ़ी बंदर है यहाँ पर तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना आप वहीं पर जाकर ही ले लेना बैठने के लिए यहाँ पर बेंचेज वगैरह लगी हुई हैं मैंने जो नोटिस किया कि वॉशरूम भी हैं हर एक किलोमीटर में आपको वॉशरूम मिल जाएंगे शॉप्स मिल जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है जाने में फिर ये हमने दर्शन किए मुखी पर्वत के आप देखिए बिल्कुल गणेश भगवान जी जैसे लग रहे हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक कर दर्शन कर सकते हैं बहुत ही एकदम फ़ोन में शायद इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन जब आप रियल में देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से यहाँ पे लिखा भी है जो मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोग दर्शन कर ही नहीं रहे थे मतलब उन्होंने देखा ही नहीं वो बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं इवन यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है तो आप अगर, अगर आप जा रहे हैं तो ऐसे जो व्यूज़ हैं ऐसे जो दर्शन है वो आप मिस मत करो करते हुए जाओ तो और यात्रा इतनी टफ भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे बहुत ही नॉर्मल है तो आप आसानी से जा सकते हैं इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको केव के अंदर रुद्राभिषेक कराना है तो आपको ट्वेंटी वन हंड्रेड चार्जेस देने पड़ेंगे और आपको कांटेक्ट करना होगा जो श्राइन बोर्ड का जो के जो मैनेजर हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा फिर आप जो केव में इक्कीस सौ रुपये देकर अभिषेक कर सकते हैं तो फिर हमने आगे कंटिन्यू करा यहाँ पे शेड भी लगे हुए हैं बीच बीच में और बैठने की भी पूरी व्यवस्था है फिर ये एक और दूसरे किलोमीटर में वॉशरूम भी बना हुआ है तो पानी की और वॉशरूम की प्रॉपर व्यवस्था है अच्छी है तो अब हम इस पुल को क्रॉस करके अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे मैंने आ, मतलब वहाँ पे लोगों से पूछा तो वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने बताया कि इस केव के बारे में लोगों को कैसे पता चला तो एक चरवाहा था वो डेली अपनी बकरियाँ चराने पहाड़ों पे जाता था तो एक दिन क्या हुआ उसकी बकरियाँ एक गुफ़ा के अंदर चली गईं तो बकरियों को पकड़ने के लिए वो उस गुफ़ा में गया तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऋषि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो जो वहाँ पे ऋषि मुनि थे उन्होंने उस चरवाहे से बोला कि बाहर जाके तुम ये किसी को मत बताना इस गुफ़ा के बारे में लेकिन वो बाहर आया और उसने गांव वालों को बता दिया अंत में उस चरवाहे की मृत्यु हो गई लेकिन लोगों को पता चला कि यहाँ पे ऐसी भी गुफा है तो लोगों को इस बारे में पता चला तो ये थी उस गुफा के बारे में छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने वहाँ के लोकल से पूछी तो उन, उन्होंने मुझे बताया फिर यहाँ पे जब आप दर्शन कंटिन्यू करेंगे तो छोटे छोटे मंदिर भी हैं अभी जो हमने दर्शन किए वो देव जी का मंदिर है तो अब वहाँ वहाँ पर भी दर्शन करते हुए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करना यहाँ पे क्लॉक रूम भी बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ताकि जो यात्री हैं उनको कोई दिक्कत ना हो तो फिर ये ये हमने क्रॉस किया आगे जाके आपको ये दिख रहा है ये है राम मंदिर अब यहाँ के भी दर्शन ज़रूर करिएगा छोटा सा मंदिर है जिसमें राम जी हैं सीता जी हैं लक्ष्मण जी के दर्शन हैं हनुमान जी जी भी हैं वहाँ पर फिर सामने आ, उस मंदिर के उन वहाँ पे शिवलिंग भी है वहाँ पे भी आप दर्शन करते हुए चल सकते हैं तो हमने यहाँ के भी बहुत दर्शन किए और बहुत अच्छे से किए भीड़ नहीं थी क्योंकि हम बहुत आप देख रहे हैं कोई दिख ही नहीं रहा है रास्ते में क्योंकि कोई था ही नहीं हम इतनी सुबह निकल गए थे जो कि बहुत सही किया हमने क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी इवन गुफ़ा में भी जब हमने दर्शन किए तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि भीड़ ही तब शुरू होती है जब बसेस आ जाती हैं यात्रियों को यहाँ पर लेकर तो ये बहुत अच्छा था क्योंकि हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखी तो भीड़ नहीं होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ यहाँ से आप पुल को क्रॉस करके स्टेयर से नीचे फिर आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से दर्शन किए बहुत ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पर लगाया था क्योंकि आ, मंडे था आज ही के दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी अयोध्या में राम जी की तो हम और भी खुश थे एक तो मंडे है ऊपर से हम शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं और फिर राम जी के भी दर्शन हमने किए प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तो हम मैं बहुत खुश थी कि इतना अच्छा दिन है आज तो फिर हम यहाँ से उतर कर नीचे गए हमने अच्छे से दर्शन किए यहाँ पे बहुत मतलब बिल्कुल भी लोग नहीं थे यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ इस मंदिर की टेक केयर करते हैं देखभाल करते हैं मैंने दर्शन कर लिए थे मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी क्योंकि वहाँ पे उन्होंने टीवी लगाई हुई थी और टीवी में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही थी वो उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था तो मैं वहाँ खड़े होकर वो देखने लगी थी यहाँ पर हमारे भोले बाबा भी विराजमान हैं तो आप शिवलिंग के दर्शन भी ज़रूर करना फिर दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू करी यहाँ पे साफ सफ़ाई का भी ध्यान रखा जाता है सुबह का टाइम था फिर भी एक भैया यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे तो आपको ट्रैक पे पूरा साफ सफाई भी मिलेगी तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है तो अब मैं बताती हूँ कि यहाँ की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है क्यों शिव इतना महत्व रख रक, रखता है तो एक डीमन था राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर तो उस उसने बहुत तपस्या की शिव जी की तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या देखकर तो उन्होंने वो प्रकट हुए और उन्होंने भस्मासुर से कहा कि तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो तो भस्मासुर तो डीमन था राक्षस था तो उसने वर मांगा कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए तो हमारे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं उन्होंने तथास्तु कह दिया तो फिर लेकिन ऑब्वियसली वो डीमन है तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना शिवजी के सर पर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म कर दूँ तो भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी ने जो केव है गुफा है उस पर त्रिशूल चलाया त्रिशूल मारा वहाँ पे गुफा बनी उस गुफा में शिवजी अपनी फैमिली के साथ मतलब पार्वती माता और गणेश जी और कार्तिकेय भगवान के साथ वहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हुए इसलिए वहाँ उस गुफा की इतनी महत्वता है इतनी इम्पॉर्टेंस है तो ये थी वहाँ की स्टोरी फिर उसके बाद जो विष्णु जी थे उन्होंने सल्यूशन निकाला उन्होंने मोहिनी का स्वरूप धारण किया और भस्मासुर को मोहित किया भस्मासुर तो मोहित हो गया तो दो जब दोनों नृत्य कर रहे थे तो जब विष्णु जी ने अपने ऊपर मोहिनी स्वरूप में अपने सर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी रख लिया वो इतने इतना मोहित हो गया था कि वो भूल गया था कि अगर वो अपने सर पर हाथ रखेगा तो वो खुद ही भस्म हो जाएगा और ऐसा ही हुआ भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रख लिया और वो भस्म हो गया तो ये है वहाँ की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है तो फिर हम यात्रा कंटिन्यू कर रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं तो आप बंदर से बच के रहना ये बंदर हमारे साथ साथ चल रहा था तो मैं तो एक जगह तो मैं बहुत डर गई थी तो अगर आप कुछ भी खा रहे हैं ना तो भी ध्यान रखें क्योंकि ये इनकी नज़र बिल्कुल आप अगर कोई पैकेट की आवाज़ भी आ रही है तो भी ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना फिर एक ये मैंने पानी का टैप देखा पीने का पानी का टैप तो आपको पीने की पानी की भी व्यवस्था मिल जाएगी लेकिन आप चाहें तो शॉप्स भी आती हैं तो वहाँ से बॉटल भी ले सकते हैं मैंने पानी देखा तो बहुत स्वच्छ लग रहा था पीकर भी देखा बहुत ठंडा पानी था पर बहुत अच्छा लग रहा था फ़्रेश वाटर लग रहा था तो आ, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है फिर आगे ये मंदिर आता है लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर तो हमने इनके दर्शन बाहर से ही कर लिए थे तो इसके बाद हम दर्शन करके फिर हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू करी थी तो छोड़ यहाँ पे जो छोटे छोड़ छोटे मंदिर हैं जो यहाँ का नेचर है मतलब इंजॉय करते हुए जाना क्योंकि पहली बात ट्रैक इतना टफ़ नहीं है कि आप थक जाएंगे तो आपको बहुत खुद ही बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और मेरे हिसाब से जो मैंने किया वो मॉर्निंग में किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मॉर्निंग में करना सबसे बेस्ट है तो हमने बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर लिए थे उसके बाद हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू करी यहाँ पे छोटे चोड़ छोटे मंदिर हैं देव जी का मंदिर है एक लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर है तो ये आप कवर करते हुए चलना यहाँ पे बहुत ऊंचे-ऊंचे वो थे ट्रीज़ जिनकी जड़ें नीचे तक आ रही थी तो हम वो धीरे धीरे देखते हुए आगे बढ़े क्योंकि हमारे पास टाइम था और हम थके भी नहीं थे क्योंकि रात में हमने रेस्ट कर लिया था तो फिर हमें ट्रैक करने में बहुत मज़ा आ रहा था अब हम ऑलमोस्ट uh, ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे मतलब यहाँ से एक किलोमीटर uh, की दूरी रह गई थी केव की uh, uh, केव के लिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स उन्होंने दिए हुए थे पीसीआर फायर इमरजेंसी सर्विसेज़ वेबसाइट ईमेल सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से सिर्फ एक किलोमीटर रह गई है जो हमारी यात्रा है तो यहाँ पे मेरे साथ एक फ़नी इंसिडेंस हुआ था खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही थी ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ तो मैं रिकॉर्ड करते करते अचानक ये बंदर मेरे पीछे आ गया और आप मेरा फेस देख सक देख सकते हैं कितना फ़नी लग रहा है क्योंकि मैं बहुत डर गई थी तो ये बंदरों ने मुझे पूरे रास्ते बहुत परेशान किया है मैं बहुत ज़्यादा डरती हुई आई हूँ एक जगह तो ऐसा हुआ था कि जो मैंने कैप पहनी हुई है ना इसमें मैंने वही छोड़ दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी कैप लेने आ रहे हैं मैंने छोड़ दी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं इतना इतना डरती हूँ कि मैं अपना सामान ही छोड़ देती हूँ तो, तो इसके बाद हम आगे बढ़े मैंने वहाँ देखा कि लोगों ने मिट्टी के घर भी बनाए हुए हैं तो Uh, ऐसे वो बिल्कुल मिनिमल नेसेसिटी के साथ वो लोग इतनी ऊंचाई पे भी रह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा टास्क है बिल्कुल पूरा जो घर है मिट्टी का बना हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने गेरू से डिज़ाइंस बनाए हुए हैं कुछ कुछ तो uh, ये सब हम देखते हुए इन्जॉय करते हुए डरते हुए थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया नज़ारे बहुत अच्छे थे और आप देख रहे हैं जो रास्ता है वो बिल्कुल भी स्टीप नहीं है अब आगे जाके थोड़ा सा स्टीप हो जाता है लेकिन अभी तक तो नहीं है और फिर जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुँचेंगे केव के पास पहुँचेंगे आपको जो प्रसाद की शॉप्स हैं वो भी नज़र आने लगेंगी तो वहाँ से भी आप प्रसाद लेकर जा सकते हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल जो आप केव के पास पहुँच जाओ आप तभी लेना तो यहाँ पे बीच बीच में उन्होंने जो असिस्टेंस के लिए नंबर दिए हुए हैं तो भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े बट हाँ अगर अब जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं फिर हम आगे बढ़े मुझे ये फिर से एक पानी का टैप दिखा तो मुझे ऐसे वाटर टैप्स दो बार दिख चुके हैं तो पानी की तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर उसके बाद हमने आगे कंटिन्यू किया तो इस टाइम तक आते आते अब शॉप्स भी खुलने लगी थी तो हमें खुली शॉप्स भी दिख रही थी जिसमें आप प्रसाद ले सकते हैं फ़ोटोज़ ले सकते हैं आ, काफ़ी कुछ यहाँ पे गॉगल्स वगैरह आप लेना चाहें तो ले सकते हैं ये है दूध गंगा रिवर यहाँ से जो बहती है तो आपको पूरे ट्रैक में ये रिवर ज़रूर मिलेगी तो हमने नीचे जाके देखा यहाँ पे भी गए थे हम फिर यहाँ यहाँ पे पालकस की जो आ, रेट लिस्ट है वो यहाँ पर है फिर उसके बाद हम पहुँचे तो हमने सबसे पहले प्रसाद लिया यहाँ पे प्रसाद के अलग अलग हैं फिफ्टी रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पर माता की चुनरी भी आ, मिल रही थी क्योंकि यहाँ पे जो दर्शन है वो अर्धनारेश्वर के रूप में है यानी आधा स्वरूप शिव जी का है और आधा स्वरूप माता पार्वती का है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं जो भी आपको लेना है अगर आपको रुद्राक्ष लेना है धा काला धागा लेना है रेड धागा लेना है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है तो आप यहाँ से आराम से लेके जा सकते हैं इसी के पास यहाँ पे क्लॉक रूम भी है जहाँ पे आप अपने अपना जो सामान है वो आप डिपॉजिट करा सकते हैं और यहाँ पे ही शू शू स्टैंड भी है जहाँ पे अपने शूज़ आप निकाल कर रख सकते हैं यहाँ से आप लड्डू प्रसाद भी ले सकते हैं जो कि फ़िफ्टी रुपीज़ का मिलता है उसमें चार लड्डू होते हैं तो आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं तो उसके बाद हम सीधा केव के लिए निकल गए थे ये रास्ता है ओल्ड केव का न्यू केव का रास्ता अलग से है जिसमें आप डायरेक्ट केव में एंटर करते हैं लेकिन हम पुरानी केव से ही गए थे तो बहुत अच्छा था जिसमें हम साइड साइड से निकल मतलब बहुत सकरा रास्ता है तो आपको वैसे ही जाना होगा तो यहाँ यहाँ से ही एंट्री है यहाँ से हमने प्रसाद लिया था और इस इसी के आगे क्लॉक रूम भी है और साइड में शू स्टैंड भी है हम दर्शन करके आ गए थे वहाँ पे हलवा हल्व, हलवा हलवे का प्रसाद मिल रहा था तो हमने वो खाया दर्शन बहुत अच्छे से हुए आ, केव के अंदर बहुत सकरा रास्ता है कहीं आपको थोड़ा बेंड होना पड़ेगा साइड साइड होकर थोड़ा सा जिग ज़ैग होकर आपको जाना पड़ेगा अगर आप ओल्ड केव से जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से दर्शन हुए क्योंकि भीड़ बहुत कम थी तो जैसे कि मैंने बताया कि अर्धनारेश्वर के रूप में दर्शन है आधा जो भाग है वो शिव जी का है और आधा जो भाग है वो माता पार्वती जी का है तो और साइड में फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड में माता पार्वती गणेश भगवान जी को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई हैं बहुत अच्छा दर्शन बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे फिर आप थोड़ा उसी केव में और आगे जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड में वैष्णो मात, माता जी के दर्शन है तीन प, पिंडी स्वरूप में जैसे दर्शन हम वहाँ वैष्णो देवी में करते हैं वैसे ही सेम दर्शन यहाँ पे भी हैं फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से एग्जिट पॉइंट आप एग्जिट कर सकते हैं बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे बहुत ही मन को अच्छा लगा वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था महादेव को याद करते हुए और हर हर महादेव कहते हुए हमें अपनी यात्रा को समाप्त किया खत्म किया तो ये मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग किया ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ, साथ शेयर कर सकूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू